वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था चैप्टर 6। हम 6.2 के एग्जांपल्स कर रहे थे। आज का हमारा 10th एग्जांपल है 6.2 का, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द इमेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंडर द मैपिंग हमें इस जो हमें कर्व दिया हुआ है इसकी हमें इमेज निकालनी है अंडर दिस मैपिंग। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैपिंग का यूज़ करके हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे एंड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद में ये वैल्यू हम इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मैपिंग इस मैपिंग का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या मैपिंग दी हुई है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा अपॉन आयोटा जेड माइनस वन, ये मैपिंग दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं W के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास में आ जाएगा W आयोटा Z माइनस W इज इक्वल टू Z माइनस आयोटा, Z वाली टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, तो W आयोटा Z माइनस Z इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, दिस इज माइनस माइनस ऑफ आयोटा प्लस W, ये आ गई। ठीक है, सो Z कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गई आयोटा W माइनस वन विच इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस आयोटा। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा डब्ल्यू माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर हम जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। नाउ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसके अंदर डब्ल्यू की भी वैल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी माइनस आयोटा एंड अपॉन में भी हम पुट कर देंगे, सो आयोटा यू प्लस आयोटा वी माइनस वन, सो विच इज़ इक्वल टू, और रियल एंड इमेजनरी पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा वी माइनस वन एंड नीचे टर्म्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में आयोटा वी आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस कॉमन निकाल के हमारे पास क्या आ जाएगा, वी प्लस वन एंड प्लस आयोटा यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, किसकी आई है, एक्स प्लस आयोटा वाई की। नाउ इसी तरीके से अगर हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ पर हम x माइनस आयोटा वाई लगा देते हैं, x माइनस आयोटा वाई, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हम दोनों साइड ले रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी u माइनस आयोटा v माइनस वन एंड अपॉन में आ जाएगी माइनस ऑफ v प्लस वन माइनस आयोटा u। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हम निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो वो वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, अगर हम इसका इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले दोनों टर्म्स को, ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एक्स माइनस आयोटा वाई विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी यू माइनस आयोटा वी माइनस वन अपॉन सॉरी यू प्लस आयोटा वी माइनस वन अपॉन में माइनस ऑफ v प्लस वन प्लस आयोटा u, इसका हम मल्टीप्लीकेशन किसके साथ कर रहे हैं, u माइनस आयोटा v माइनस वन अपॉन में आ जाएगा माइनस ऑफ v प्लस वन माइनस आयोटा u। ठीक है, ये टर्म आ गई। नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा x प्लस आयोटा x कैंसिल हो जाएगी टर्म एंड माइनस आयोटा स्क्वायर y, माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, प्लस वन, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हम इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास में टर्म क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस वन वी माइनस वन का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी माइनस वन का होल स्क्वायर एंड अपॉन में हमारे पास में टर्म क्या आ जाएगी, वी प्लस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस दिस इज प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन आई है ये, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है y की, तो अगर हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम ये वाली इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आएगी, दिस माइनस ऑफ दिस, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में टू आयोटा वाई। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड इक्वल टू में हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आई है दिस माइनस दिस आ जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी माइनस वन अपॉन में माइनस ऑफ वी प्लस वन प्लस आयोटा यू एंड सब्ट्रैक्ट हम क्या करें, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, सो u माइनस आयोटा
वी माइनस वन अपॉन में माइनस ऑफ, ये हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस, अगर हम इस माइनस को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगा वी प्लस वन प्लस आयोटा यू। हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में ये क्या आ गया, प्लस की टर्म्स आ गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या टर्म आ रही है, देखो सबसे पहले तो हमें क्रॉस रेशियो इसका क्या नाम एलसीएम ले लेते हैं, देन वी हैव टर्म यू प्लस आयोटा वी माइनस वन एंड ये आ जाएगा वी प्लस वन प्लस आयोटा यू, ठीक है, ये टर्म आ गई, एंड नेक्स्ट प्लस यू माइनस आयोटा वी माइनस वन एंड इसके साथ में हमारे पास में टर्म क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, यानी इसको आयोटा यू माइनस वी प्लस वन, ठीक है, ये वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएगी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिया, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, टू आयोटा वाई की इक्वल आ रही है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास में टर्म्स में क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके नाउ हमारे पास में टर्म क्या आई थी, ये आया था माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा कॉमन, ठीक है ना, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी प्लस वन का होल स्क्वायर, तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में टर्म आ जाएगी यू बी प्लस वन एंड प्लस आयोटा यू स्क्वायर प्लस आयोटा, ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन प्लस, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर यू एंड वी माइनस वन, ठीक है, ये टर्म आ गई एक। तो अब हम इसको कर रहे हैं प्लस में, ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा यू स्क्वायर माइनस यू वी प्लस वन, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर यू वी माइनस वन, और नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा, नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया था हमारे पास में माइनस आयोटा स्क्वायर यू वी माइनस वन। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म आ, इसी को एक बार ऊपर लिखती हूँ मैं टर्म को, ये आ जाएगी माइनस ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया तो माइनस आयोटा स्क्वायर यू वी माइनस वन, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, आयोटा यू स्क्वायर आयोटा यू स्क्वायर, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में अपॉन में जो टर्म है वो एस डी जी रहेगी, ये वाली टर्म अपॉन में, मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व किया, सो दिस इज इक्वल टू टू आयोटा वाई इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आयोटा यू स्क्वायर आयोटा यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टू आयोटा यू स्क्वायर। ठीक है, अब यू वी प्लस वन माइनस यू वी प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हमने कर ही ली सॉल्व, आयोटा वी स्क्वायर माइनस वन आयोटा वी स्क्वायर माइनस वन, ये भी टू टाइम्स आ जाएगी, तो ये आ जाएगी टू आयोटा वी स्क्वायर माइनस वन, उसके बाद में आयोटा यू वी माइनस वन माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास में ये टर्म आ गई। ठीक है, और अपॉन में माइनस था, अपॉन में क्या टर्म थी, माइनस ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म थी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, हम माइनस यहाँ से कॉमन ये लेते हैं तो हमारे पास में टर्म क्या आ गई, माइनस ऑफ टू से टू कैंसिल और आयोटा से आयोटा अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है, वाई की वैल्यू आई है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर ली है, अब ये था वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे एंड हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब सारी वैल्यू सब शूट कर दी तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारे पास में आई थी ये। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसकी जगह वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या थी हमारे पास में, यू स्क्वायर प्लस वी माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में
इसको ऐसे लिख लेते हैं यू स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, फोर वाई की जगह ये वैल्यू लगा दें, सो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई एंड प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, सो वी गेट दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर टाइम ऑफ हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस टू टाइम ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वी प्लस फोर यू स्क्वायर प्लस फोर वी स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू यू स्क्वायर और ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई वी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वी प्लस टू वी स्क्वायर प्लस टू प्लस फोर वी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया यू स्क्वायर, एक ये आ गया यू स्क्वायर, एक ये दो तीन छः सात सेवन यू स्क्वायर आ गया, तो सेवन ऑफ यू स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना आ गया ये वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में, सॉरी ये तो यू था, वी स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास में सेवन आ गई, सो दिस इज सेवन वी स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस जो जो टर्म्स हमारे पास में रहती है उसको, अब कौन कौन सी टर्म हमारे पास में रही है इसके अंदर, माइनस फोर प्लस टू प्लस वन कॉन्स्टेंट तो रहेगी माइनस वन और माइनस टू वी प्लस फोर वी, तो ये हमारे पास में क्या आ गई प्लस टू वी, सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये आ गया सेवन, अगर हम कॉमन निकालते तो हमारे पास क्या आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू बाई सेवन वी एंड माइनस वन बाई सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है यू स्क्वायर प्लस वी का ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सो वी प्लस में हम क्या करेंगे वन बाई सेवन का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू में वैल्यूज क्या आ जाएगी टू रूट टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ठीक है, इक्वल टू दिस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ज़ीरो माइनस वन बाई सेवन एंड रेडियस इज दिस, ठीक है। सो जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है दिस इज विच इज़ द इक्वेशन ऑफ विच इज अ सर्कल विद सेंटर, सेंटर क्या है हमारे पास में ज़ीरो एंड माइनस वन बाई सेवन एंड रेडियस, और रेडियस क्या है इस सर्कल की, रेडियस इज टू रूट टू बाई सेवन। तो ये हमारे पास में जो गिवन कर्व की इक्वेशंस थी उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो हमने इक्वेशन निकाली अंडर दिस मैपिंग विच इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर ज़ीरो माइनस वन बाई सेवन एंड रेडियस इज दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इलेवंथ क्या कहता है, शो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड अपॉन आयोटा प्लस जेड, ये हमें मैपिंग दी हुई है विच मैप्स द रियल एक्सेस ऑफ द जेड प्लेन इन टू द सर्कल, तो ये मैप विच ये जो हमें मैपिंग दी हुई विच मैप्स द रियल एक्सेस ऑफ द सर्कल जेड प्लेन, जेड प्लेन की रियल एक्सेस हमारे पास क्या होती है एक्स एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इस इक्वेशन मैप्स इन टू द सर्कल, ये हम एक यूनिट सर्कल ले रहे हैं यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, सो दिस इज अ यूनिट सर्कल विद सेंटर जीरो जीरो रेडियस वन एंड द हाफ प्लेन वाई ग्रेटर दैन जीरो, यानी कि अपर हाफ प्लेन इनटू द इंटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल इन द डब्ल्यू प्लेन, और ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर जो यूनिट सर्कल का इंटीरियर पार्ट होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ हमने इसके अंदर प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम देखो क्या दिया हुआ है, हमें जो मैपिंग दी हुई है विच इज़ इक्वल टू आयोटा माइनस जेड अपॉन में दी हुई आयोटा प्लस जेड, ठीक है, विच मैप द रियल एक्सेस ऑफ द जेड प्लेन, रियल एक्सेस ऑफ द जेड प्लेन इज एक्स एक्सेस, सो दैट इस इक्वेशन क्या हो जाएगी, रियल एक्सेस को हम इक्वेशन लिखेंगे रियल एक्सेस इज वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स एक्स एक्सेस, ठीक है। तो ये आ जाएगी वाई एक्सेस। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, z की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो z हमारे पास क्या होता है x प्लस आयोटा y, अब रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसके अंदर y इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो z इज़ इक्वल टू x, तो यहाँ पर z x के इक्वल आएगा, सो विच इज़ इक्वल टू आयोटा माइनस x, जहाँ z है उसकी जगह आयोटा प्लस x, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई।
अब हमें वैल्यू किसके निकालनी है, हमें दिया हुआ है कि विच मैप्स द रियल एक्सिस इनटू द सर्कल मॉडुलस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पर मॉडुलस डब्ल्यू की वैल्यू ले लेते हैं। सो मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस आयोटा माइनस एक्स अपॉन आयोटा प्लस एक्स, ये आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आयोटा माइनस एक्स अपॉन में मॉडुलस ऑफ आयोटा प्लस एक्स, ये आ गया, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाली टर्म में भी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वन प्लस एक्स का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू वन। तो हमें ये प्रूफ करना था कि दिस इज, ये मैप करती है रियल एक्सिस को इनटू द सर्कल मॉडुलस जेड मॉडुलस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, एंड जो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये वाला कंडीशन को हमने प्रूफ करना है। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एंड द हाफ प्लेन जब वाई इज ग्रेटर देन जीरो इन टू द इंटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल डब्ल्यू इज इक्वल टू वन इन द डब्ल्यू प्लेन, ये हमें प्रूफ करना। नाउ दूसरी कंडीशन हमें क्या दी हुई है, मोड डब्ल्यू इज लेस देन वन, इंटीरियर पॉइंट ले रहे हैं हम यूनिट सर्कल का, तो यहाँ पर हम वैल्यूज लगाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी, देखो डब्ल्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, W हमें दिया हुआ था W इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड अपॉन आयोटा प्लस जेड की वैल्यू, तो इसकी जगह हम यूज़ कर देंगे वो। सो मॉडुलस ऑफ W इज लेस देन वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ आयोटा माइनस जेड अपॉन आयोटा प्लस जेड इज लेस देन वन, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ आयोटा माइनस जेड अपॉन में मॉडुलस ऑफ आयोटा प्लस जेड इज लेस देन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आयोटा माइनस जेड इज लेस देन मॉडुलस ऑफ आयोटा प्लस जेड। अब यहाँ पर हम जेड की वैल्यू लगा देंगे, जेड क्या होता है हमारे पास में एक्स प्लस आयोटा वाई, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई एंड लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी वैल्यू लगा देंगे आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। रियल एंड इमेजनरी पार्ट को मॉडुलस को हम एक बार रियल एंड इमेजनरी पार्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस एक्स एंड प्लस आयोटा कॉमन निकाल लिया वन, ये क्या आ जाएगा वन माइनस वाई विच इज़ लेस देन मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वन प्लस वाई, ये आ जाएगा। मॉडुलस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आया था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस y का होल स्क्वायर विच इज़ लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट से रूट अगर हम दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई विच इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये सारी टर्म्स को हम क्या करते हैं, इस उस साइड ले आते हैं सारी टर्म्स को, देन विच इम्प्लाइज हमारे पास में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ज़ीरो आ जाएगा उधर ले जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, सो ये सारी टर्म्स जो है वो हमारे पास में कैंसिल होगी, सो ज़ीरो इज़ लेस देन टू वाई, दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल 13 है, 12th एग्जांपल आप कर लेना बिल्कुल जैसे हमने अभी ऊपर किया उसी तरीके से आपने करना है वैल्यूज लगा के। तो हम कर रहे हैं एग्जांपल 13th, क्या है स्टेटमेंट, फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, हमें फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, इनवेरिएंट पॉइंट्स निकालने हैं। इनवेरिएंट पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, व्हेन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू को जेड के इक्वल रखे और हम इससे जेड की वैल्यूज निकाल देंगे तो हमारे पास में इनवेरिएंट पॉइंट्स निकल जाएंगे। ऑल्सो सेकेंड पार्ट में ऑल्सो प्रूव दैट दीज टू पॉइंट्स, अब यहाँ से हमारे पास में टू पॉइंट्स निकल जाएंगे, दीज टू पॉइंट्स टुगेदर विद एनी पॉइंट जेड एंड इट्स इमेज, उन पॉइंट्स के साथ में हमने एक पॉइंट तो लेना है जेड और एक लेना है इसकी इमेज, यानी कि हमने एक पॉइंट लेना है डब्ल्यू, ठीक है, इसकी इमेज हमारे पास क्या हो जाएगी डब्ल्यू, तो एक पॉइंट ये, फॉर्म अ सेट ऑफ फोर पॉइंट्स हैविंग अ कॉन्स्टेंट क्रॉस रेशियो, इन चारों को हमने इन चारों का जो क्रॉस रेशियो आएगा वो हमें शो करना है कि वो कॉन्स्टेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा पार्ट क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट निकाल रहे हैं, तो इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इनवेरिएंट पॉइंट निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमें गिवन है आर गिवन बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, सो हम लिखते हैं द इनवेरिएंट पॉइंट्स
ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन आर गिवन बाय क्या होएगा हमारे पास में आर गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। अब डब्ल्यू की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे टू जेड प्लस फोर आयोटा अपॉन में आयोटा जेड प्लस वन विच इज़ इक्वल टू जेड। ठीक है क्रॉस रेशियो हमने इसका ले लिया सो हमारे पास में आएगा माइनस ऑफ टू जेड प्लस फोर आयोटा एंड इक्वल टू में क्या आ जाएगा जेड इंटू आयोटा जेड प्लस वन। यह आ गई वैल्यू इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया माइनस टू जेड नहीं इसको ऐसे रखते हैं माइनस ऑफ टू जेड प्लस फोर आयोटा सो दिस इज इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है ये वैल्यू आ गई आयोटा जेड स्क्वायर आ गया हमारे पास में आयोटा जेड स्क्वायर प्लस जेड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगा हमारे पास में नाउ दिस इज इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस टू जेड ये इधर आगे प्लस हो जाएगा एंड ये भी प्लस हो जाएगा प्लस फोर आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ये वैल्यू आ गई अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास में दिस इम्प्लाइज आयोटा अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर एंड ये आ जाएगा एक बार इसी को लिख लेते हैं एक मिनट आयोटा जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड प्लस फोर आयोटा इक्वल टू ज़ीरो। आयोटा को कॉमन निकाल रहे हैं इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा प्लस वन का क्या मतलब होता है प्लस वन इज़ इक्वल टू द माइनस आयोटा स्क्वायर के तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ थ्री जेड आयोटा स्क्वायर प्लस फोर आयोटा इक्वल टू ज़ीरो। अब आयोटा कॉमन निकाले अंदर क्या आ गया जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड आयोटा प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो सो दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर माइनस ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री आयोटा जेड प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आ गया जेड माइनस फोर आयोटा एंड जेड प्लस आयोटा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो इनवेरियंट पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गया फोर आयोटा एंड माइनस आयोटा दीज आर द टू इनवेरियंट पॉइंट। ठीक है तो पहला हमारा हो गया कि इनवेरियंट पॉइंट्स हमने फाइंड करना है उसके बाद हमें शो करना है कि एक तो जेड ले लेते हैं पॉइंट और एक हम ले लेते हैं डब्ल्यू और दो पॉइंट्स हमारे पास ये है इनका हम क्रॉस रेशियो हमें शो करना है कि विच इज़ इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है तो टेकिंग क्रॉस रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे जेड वन तो हम ले लेते हैं जेड ठीक है एक पॉइंट जेड टू को अगर इन्होंने का इमेज लेनी तो हम डब्ल्यू ले लेते हैं एंड जेड थ्री को हम क्या ले लेते हैं जेड थ्री हमारे पास में ले लेते हैं फोर आयोटा एंड जेड फोर को हम ले लेते हैं माइनस आयोटा। ठीक है अब डब्ल्यू की वैल्यू आपको इसके अंदर गिवन है ये आए तो डब्ल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे नाउ क्रॉस रेशियो ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर किसके इक्वल होता है ये जेड वन माइनस जेड टू जेड थ्री माइनस जेड फोर अपॉन में आता है जेड टू माइनस जेड थ्री एंड जेड फोर माइनस जेड वन ये आता है हमारे पास क्रॉस रेशियो। अब इन सभी की वैल्यूज़ लगा देंगे डब्ल्यू की वैल्यू हमने क्या लगानी ये वैल्यूज़ लगानी है। ठीक है नाउ दिस इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या है माइनस ऑफ तो ये प्लस हो जाएगा प्लस ऑफ टू जेड प्लस फोर आयोटा अपॉन में आ जाएगा आयोटा जेड प्लस वन। ठीक है ये आ गया ये आ जाएगा फोर हम वैल्यूज लगा रहे हैं वन जेड वन टू थ्री फोर की। ठीक है तो ये आ गया प्लस आयोटा अपॉन में वैल्यूज आ गई हमारे पास में जेड इसकी लगा दी हमने तो ये आ गया जेड प्लस आयोटा यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा और इस वैल्यू के अंदर हम वैल्यू पुट करें तो वहाँ से भी हमारे पास में प्लस हो जाएगा फिर वो फोर आयोटा प्लस टू जेड जो वैल्यूज आई है प्लस फोर आयोटा अपॉन में आयोटा जेड प्लस वन। ठीक है ये सारी वैल्यूज आ गई अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में जेड और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है तो ये आ जाएगा जेड आयोटा जेड प्लस वन प्लस टू जेड प्लस फोर आयोटा ये आ गया और इनटू में क्या आ रहा है इनटू में आ रहा है फोर फाइव आयोटा आ जाएगा ये अपॉन में भी इसी तरीके से आ जाएगी वैल्यू सो दिस इज इक्वल टू जेड प्लस आयोटा एंड ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी फोर आयोटा आयोटा जेड प्लस वन प्लस टू जेड प्लस फोर आयोटा। ठीक है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम
ये हमारे पास में आ जाएगी आयोटा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस टू जेड प्लस फोर आयोटा एंड इनटू में फाइव आयोटा अपॉन में आ जाएगा जेड प्लस आयोटा और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा फोर आयोटा स्क्वायर जेड प्लस फोर आयोटा प्लस टू जेड प्लस फोर आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज इक्वल टू फाइव आयोटा। ये क्या हो जाएगा आयोटा जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड प्लस फोर आयोटा एंड हम वन बाई वन स्टेप्स करते जा रहे हैं। नीचे आ रहा है हमारे पास में जेड प्लस आयोटा, ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, ये हमारे पास में आ जाएगा, देखो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, एट आयोटा आ जाएगा इधर। ठीक है, एट आयोटा और ये आ जाए आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, यानी कि माइनस फोर जेड। टू जेड माइनस फोर जेड इज़ माइनस टू जेड। यहाँ से अगर हम टू को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगी फोर आयोटा इंटू में जेड। ठीक है, टू को कॉमन निकालिए, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज़ इक्वल टू फाइव आयोटा। यहाँ पे हमारे पास में टर्म में क्या बचा है जेड स्क्वायर आयोटा प्लस थ्री जेड प्लस फोर आयोटा। ठीक है, नीचे वाली टर्म्स में हमारे पास में क्या आ रहा है, नीचे वाली टर्म में टू कॉमन निकाल लिए हमने। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी फोर आयोटा जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस फोर आयोटा स्क्वायर एंड माइनस ये आ जाएगा माइनस आयोटा जेड। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू फाइव आयोटा जेड स्क्वायर आयोटा प्लस थ्री जेड प्लस फोर आयोटा एंड अपॉन में आ रहा है टू ये। और अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि ये वाली टर्म जो है वो इसी की तरह हमारी टर्म बन जाए जिससे कि हमारा ये कैंसिल आउट हो जाए वैल्यूज़। ठीक है, तो इस पूरे में से अगर हम आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास में टर्म क्या रहेगी, इस पूरे में से हम क्या कर रहे हैं आयोटा को कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पूरी टर्म में से अगर हम ये देखो, एक तो ये हो जाएगा थ्री आयोटा, इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टू, ये आ जाएगा थ्री आयोटा जेड माइनस माइनस में क्या आ रहा है जेड स्क्वायर, तो इसकी जगह लगा देते हैं प्लस आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म में क्या निकाल लिया फोर आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड थ्री आयोटा जेड हो जाएगा, माइनस की जगह हमने लगा दिया आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड प्लस फोर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब सभी के अंदर आयोटा आ रहा है तो हमने क्या कर दिया इसमें से आयोटा कॉमन निकाल लिया। अंदर देखो क्या टर्म बच जाएगी, सभी में से आयोटा कॉमन निकाली, यहाँ पे बच जाएगा आयोटा जेड स्क्वायर स्कूल जेड स्क्वायर आयोटा, यहाँ से आयोटा कॉमन निकाला दिस इज इक्वल टू थ्री जेड, यहाँ से भी आयोटा कॉमन निकाली फोर आयोटा, ये टर्म आ गई, सेम टर्म आ गई, कैंसिल आउट आएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी फाइव बाई टू, सो विच इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी थी कि फोर पॉइंट्स हैविंग अ कॉन्स्टेंट क्रॉस रेशियो, तो हमने सभी पॉइंट्स का क्रॉस रेशियो निकाल लिया और हमने प्रूफ कर दिया कि विच इज़ अ कॉन्स्टेंट क्रॉस रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा था एग्जाम्पल 13। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 14। फाइंड द कंडीशन दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द यूनिट सर्कल इन द डब्ल्यू प्लेन, यूनिट सर्कल इन द डब्ल्यू प्लेन हम ले लेते हैं हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या निकालनी है, वो कंडीशन निकालनी है दैट ट्रांसफॉर्मेशन दिस ट्रांसफॉर्म द यूनिट सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन इन टू अ स्ट्रेट लाइन इन जेड प्लेन। तो स्टेट यूनिट सर्कल हमें क्या दिया मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम मैप ये जो है ट्रांसफॉर्म करता है यूनिट सर्कल को डब्ल्यू प्लेन से इनटू अ स्ट्रेट लाइन इन द जेड प्लेन, तो हमने वो कंडीशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू दी हुई ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये दी हुई है। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं ए तो हमारे पास क्या हो जाएगा जेड प्लस बी अपॉन ए और अपॉन में सी कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा जेड प्लस डी अपॉन सी। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब इट इज़ गिवन दैट द यूनिट सर्कल, हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दैट यूनिट सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, यूनिट सर्कल तो वो इक्वेशन क्या होगी मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू वन विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, अब यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हमारे पास क्या है मोड ऑफ ए अपॉन सी, अगर हम बाहर ले लेते हैं ना मोड ऑफ जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन जेड प्लस
डी अपॉन सी विच इज़ इक्वल टू वन, ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन में जेड प्लस डी अपॉन सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी अपॉन ए, ठीक है. अब ये लाइन को रिप्रेजेंट कब करेगा, जब हमारे पास में इसकी वैल्यू वन होगी, ठीक है. पहले भी हमने किया है कि दिस रिप्रेजेंट अ लाइन इफ, लिख देते हैं हम, दिस रिप्रेजेंट अ लाइन इफ कंडीशन क्या आएगी, इफ मॉडुलस ऑफ सी प्लस ए सी अपॉन ए इज इक्वल टू वन, या फिर हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी, ठीक है. ये अगर कंडीशन होती है तो दिस रिप्रेजेंट आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन हमारे पास में क्या, ये तो कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन होती है, यानी कि मॉडुलस ऑफ सी अगर मॉडुलस ऑफ ए के इक्वल होता है तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स इनटू अ स्ट्रेट लाइन इन जेड प्लेन. सो अब हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन जो आएगी वो हमारे पास में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन इज, स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा हमारे पास में, जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन में जेड प्लस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वन. सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एंड ये हमारे पास में कंडीशन है. अगर मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू आएगा मॉडुलस ऑफ ए के, दिस इज द कंडीशन फ्रॉम वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द यूनिट सर्कल इन टू द इन द डब्ल्यू प्लेन इन टू अ स्ट्रेट लाइन इन जेड प्लेन. सो एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है. इसके साथ में आपकी 6.2 के सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. अब हमारे अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो हमारे एग्जाम्पल आपको किसी को समझ नहीं आए हैं या एक्सरसाइज के कोई सम्स हैं, वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं. थैंक यू.